जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से हम स्पेसिमेन को इसमें देखते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, कितनी टाइप की होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड फाइनली इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ड्रॉबैक्स क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम, एज इट्स नेम इंडिकेट्स बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें देखिए जो लाइट सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो मेन लाइट सोर्स यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन में से गुजरते हैं, और फिर वो स्पेसिमेन हमें ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन नजर आता है। सो ये एक जनरल सा ओवरऑल सा प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है काम करती है और हमें स्पेसिमेंस के इमेज नजर आते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, और वो ये है कि अभी तक जितनी भी माइक्रोस्कोप्स मार्केट में हैं, देखिए वी स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस होता था, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आ गई जिनमें दो लेंसेज होते थे, बट अगेन उनमें जो लाइट सोर्स होता था लाइट माइक्रोस्कोप्स के अंदर वो विजिबल लाइट होती थी, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की सबसे खास बात ये है दैट दे आर द मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स। मोस्ट एडवांस्ड का मतलब कि सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, सबसे डिटेल्ड व्यू देने वाली जो माइक्रोस्कोप्स हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, और डेफिनेटली ये काफी महंगी भी होती हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा मजीद डिटेल में देखते हैं। सो विजुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें कुछ इस तरह की नजर आती है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया एक माइक्रोग्राफ है जो कि बहुत डिटेल में यहां हमें नजर आया। इस स्ट्रक्चर को बेटा 3D समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। एक्चुअली ये वो पार्ट है जिससे इलेक्ट्रॉन ने बाहर आना होता है और उन्होंने नीचे को मूव करके इस तरह से ये सैंपल तक पहुंचना होता है। सैंपल हमारा वही स्पेसिमेन है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। अब द मोमेंट दीज इलेक्ट्रॉन्स टच और दीज इलेक्ट्रॉन्स पास द सैंपल, इस सैंपल में से एक्स रेज निकलना शुरू होती हैं, एक्स रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। ये जो एक्स रेज हैं ये एक्स एक्सिस में भी निकलती हैं और वाई एक्सिस में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, और इनकी रिफ्लेक्शन की वजह से एक्चुअली सैंपल का जो एक एक्चुअल इमेज है वो हमारे सामने आता है। इस सैंपल के इर्द गिर्द एक्सरे डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं जो इन एक्सरेज को कैप्चर करते हैं, और ये एक्सरे डिटेक्टर्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद द मैग्नेटिक लेंसेज। मैग्नेटिक लेंसेज में जो सैंपल होता है हमारा उसका इमेज नजर आता है और वो फिर हमें शो हो जाता है। सो अब अगर हम रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की करेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहें बेटा कि इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, और मैग्निफिकेशन कितनी होती है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के फिगर सामने आते हैं। भाई इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 0.2 नैनोमीटर। याद कीजिए जो लाइट माइक्रोस्कोप थी उसकी रिजॉल्विंग पावर थी 0.2 माइक्रोमीटर। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर है इट इज ऑलमोस्ट 1000 times ग्रेटर लार्जर देन लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये कुछ तकरीबन 1000 गुना इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ज्यादा होती है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी इसकी एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप बेटा काफी ज्यादा होती है। इसकी जो मैग्निफिकेशन है इट इज अराउंड 250,000 times। अगेन एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा कि उसकी मैग्निफिकेशन अराउंड 1500 times होती है, दैट इज टू लेस देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जैसे हमने इनिशियली जिक्र किया कि ये मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, तो इसमें जो रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन हमें मिलती है वो भी लाइट माइक्रोस्कोप या दूसरी माइक्रोस्कोप्स की बनिस्बत बहुत ही ज्यादा होती है, और इसका फायदा हमें ये होता है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में
ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप एक ही तरह की होती हैं, यूजली उनमें डिफरेंशिएशन ये आ जाता होता है कि लाइट सोर्स समटाइम्स सनलाइट होती है और समटाइम्स जो है वो कोई ना कोई लाइट वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वी हैव टू बेसिक एंड फंडामेंटल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, आइए उनकी बात करते हैं। एक टाइप होती है जी हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है SEM, जिसको बेटा हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज द सेकंड वन। आइए इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये माइक्रोस्कोप जो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन दिखाई थी, ये वो माइक्रोस्कोप है जिसको हम यूजुअली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। डिफरेंस इनमें को इतना ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बस इनके एंड प्रोडक्ट का है। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना जी, उसमें एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द स्पेसिमन, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली स्पेसिमन में से गुजरते हैं, और जब ये स्पेसिमन में से गुजरते हैं तो इसकी वजह से हम उस स्पेसिमन या सैंपल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो जब कभी हमने किसी भी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी होती है, इंटरनली उसको स्टडी करना होता है, तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसको TEM भी कहते हैं। बट एज कंपेयर टू दैट, इफ वी टॉक अबाउट द SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स बेटा स्पेसिमन में से गुजरते नहीं है। फॉर एग्जांपल, लुक एट मी एंड कंसिडर मी अ स्पेसिमन। अगर मैं एक स्पेसिमन हूं, तो इन केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स मुझ में से गुजरेंगे नहीं। मैंने आपको अभी एनिमेशन दिखाई, तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सैंपल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए। सो ये एक्चुअली प्रोसेस होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमन में से गुजरते नहीं है, वो स्पेसिमन से टकराते हैं, एक मेटल सर्फेस से आते हैं, टकराते हैं और वापस चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। तो इसका फायदा हमें ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स की सरफेस को बहुत डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा हम यूज करते हैं सर्फेसिस को स्टडी करने के लिए, एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। अभी देखिए यहां तक सब अच्छा की रिपोर्ट है, एवरीथिंग इज गोइंग प्रिटी गुड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि रेजोल्यूशन इसकी ज्यादा, मैग्निफिकेशन इसकी ज्यादा, डिटेल में चीजों को देखना हो तो हम देख सकते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। भाई ऑर्गेनेल्स क्या, मॉलिक्यूल्स क्या, इवन इंडिविजुअल एटम्स भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नाउ दैट्स व्हाट इट्स रेंज इज, ये है इसकी रेंज। आपने कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनेली ऑब्जर्व करना है, यू कैन डू दैट। आपने कोई मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करना है, यू कैन डू दैट। आपने कोई एटम ऑब्जर्व करना है, यू कैन इवन डू दैट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी ऑब्जर्व स्ट्रक्चरली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सवाल ये जहन में आता है कि क्या इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोई डिसएडवांटेज भी होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो इसका ड्रॉबैक कंसिडर की जा सके। तो यस देर इज। देखिए मैंने सबसे पहले एक बात की थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमन है वो वैक्यूम एरिया में रखा जाता है, ऐसे एरिया में रखा जाता है जहां पर एयर मौजूद नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स ने एक्चुअली या टकराना होता है या मूव करना होता है स्पेसिमन में से, तो अगर एयर मौजूद होगी तो एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन उनके साथ हो जाएगा, वो मे बी स्पेसिमन तक उस स्पीड उस पार के साथ ना पहुंच सके। सो इसलिए जरूरी होता है कि स्पेसिमन एक वैक्यूम्ड जगह पे मौजूद हो। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई लिविंग चीज हम ऐसे एरिया में रखेंगे जो वैक्यूम्ड है, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है, जहां पर एयर और बाकी चीजें नहीं है, तो डेफिनेटली वो स्पेसिमन लिविंग नहीं रहेगा। और जब वो स्पेसिमन लिविंग नहीं रहेगा तो उसके लिविंग ना होने की वजह से जो लाइफ प्रोसेसेस हैं,
जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अब मजीद लिविंग है ही नहीं, वो एक ऐसे फेज में जा चुका है जहां पर उसकी लिविंग एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। सो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका हमें एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है, एंड दैट ड्रॉबैक इज के बिकॉज जो हमारा स्पेसिमन है वो वैक्यूम्ड एरिया में मौजूद होता है, तो वैक्यूम्ड एरिया में होने की वजह से लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस, वो सारे के सारे साइकल्स, रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, दे कांट बी स्टडीड, इनको हम स्टडी नहीं कर सकते। सो लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए बेटा हमें दोबारा जाना पड़ता है लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि ऑल्दो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर उतनी नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, दिस लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द साइंटिस्ट। बट अगर आपने चीजों को डिटेल में देखना है, उनकी स्ट्रक्चर समझनी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द प्रायोरिटी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।